बात अंदाज बेखौफ जुबान मेवात आज तक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर चुनावी दंगल। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी, दो ऐसे विधानसभा क्षेत्रों से दो नए चेहरे हमारे सामने हैं जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हाँ, तो कौन सी पार्टी के नए चेहरे हैं? LSP पार्टी के सैनी साहब ने उनको टिकट से नवाजा है। एक विधानसभा क्षेत्र फिरोजपुर झिरका से राजू सैनी साहब को वहाँ से कैंडिडेट प्रत्याशी उतारा है और दूसरा तौफीक हिंगनपुर, जो कि एक पुनान में काफ़ी महत्व रखता है ये गांव, क्योंकि ये बाईसी का एक माना हुआ गाँव है और बाईसी में अब दो चेहरे सामने आ चुके हैं, एक पूर्व मंत्री लियास खान और दूसरा तौफीक खान मैदान में उतर चुके हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी की चुनाव के। अध्यक्ष साहब ने उनको यहाँ से टिकट देकर नवाजा है, तो किस तरीके से वो जनता की सेवा करें, क्या वो कहना चाहते हैं, चलिए हम आपको तौफीक हिंगनपुर से मिलाते हैं जो पुनाना से प्रत्याशी हैं LSP पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है मेवात आज तक में सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, जिस तरीके से सैनी साहब ने आपको, क्योंकि अभी किसी का टिकट डिक्लेयर हुआ नहीं है, सबसे पहले आपको टिकट से नवाजा है, तो कोई ना कोई खूबी आपकी सैनी साहब को पसंद आई होगी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जी, आदरणीय श्री राजकुमार सैनी जी हैं जी, वो एक अच्छी सोच रखते हैं। जनता जनार्दन के लिए उन्होंने सत्ता को ठोकर मार दी जी, और वो इस चीज़ को सोचते हैं कि मेरी जनता मैं किस तरीके से मैं उनका सेवक बनूं, किस तरीके से मैं अपनी जनता का सेवक बनूं, मुझे सिपाही बना के मेरे आशीर्वाद दे के नहीं, मुझे आज पुनाना विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया, मैं उनका तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मेरे पार्टी के पद। जी, जी जी। अच्छा सर, आपकी उम्र हम जानना चाहें तो कितनी है? लगभग मेरी 25 उम्र है। 25। देखा आपने किस तरीके से मेवात की राजनीति में मचा घमासान। सबसे कम उम्र का चेहरा आपके सामने आ चुका है, वो भी पुनाना विधानसभा, जो कि मेवात की हॉट सीट मानी जाती है, जहाँ पे बड़े बड़े धुरंधरों के बीच में 22 से एक कम उम्र का चेहरा तौफीक हिंगनपुर उतर चुका है। तो सर, आपने इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि आप टिकट लेके मैदान में उतर चुके हैं और बड़े बड़े दिग्गजों का सामना आपको करना है, किस तरीके से करोगे? मैं, आपका मुद्दा क्या होगा चुनाव लड़ने का? मुद्दा यही है मेरा, और अल्लाह ने मेरे को वक्त दिया तो मेवात को इंशाल्लाह सबसे पहले यूनिवर्सिटी की सौगात दिलाएंगे माननीय राजकुमार सैनी के नेतृत्व में सरकार बनी तो इंशाल्लाह ताला सबसे पहले मेवात यूनिवर्सिटी का सौगात दिलाएंगे जी। सर, आपका जनता के बीच में इस चुनाव में मुद्दा क्या हो, क्या मुद्दा लेके आप किस उद्देश्य से चुनाव लड़ोगे? ऐसा है सर, मेरा मुद्दा यही होगा कि 70 साल से जो लोग राजनीति में हैं जी, मेरे से धुरंधर भी हैं जी, लेकिन उन्होंने आज तक झूठ की राजनीति की है कि हम ये करवा देंगे ये करवा देंगे। मैं अपने पुनाना विधानसभा को इंशाअल्लाह ताला टॉप लेवल पे हरियाणा में विकसित करूंगा और सबसे ज़्यादा विकास पुनाना के अंदर होगा इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने मेरे को वक्त दिया तो। मेरे तो यही है कि जिन लोगों ने पहले झूठ की राजनीति की थी, इंशाअल्लाह हम सच्ची राजनीति करेंगे, विकास करेंगे, सड़कों को, जितनी भी सड़कें हैं उनको अच्छा बनाएंगे, जो हमारे बड़गली से पुनाना होटल के लिए जा रही है उसको इंशाल्लाह 4 लेन के लिए वो कराएंगे। मेरे यही तो ये थे हमारे साथ में पुनाना विधानसभा क्षेत्र से भावी विधायक LSP पार्टी के उम्मीदवार तौफीक हिंगनपुर, और अब आपको हम रूबरू कराएंगे फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र का वो चेहरा जो सिर्फ और सिर्फ, जिनका उद्देश्य और जो मुद्दा लेकर यहाँ आए हैं वो गरीबों की मदद करने वाला, वो एक तरह से बहुत ही अच्छे समाज सेवक है। राजू सैनी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेवात आज तक में। सबसे पहले तो मेवात आज तक को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो है जिस तरीके से एक क्षेत्र की आवाज़ उठाई है। आपसे पहले भी मैं आपके चैनल को देखता रहा हूँ, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं आप लोगों के। तो हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा हैं, 90 की 90 विधानसभा के आप अंदर देखेंगे जी, तो और पार्टियों को मिलाएं और LSP पार्टियों को आप मिलाएंगे तो आपको देखने को कुछ अलग नज़र आएगा कि यहाँ पर नए नए चेहरे, नए नए युवा नज़र आएंगे LSP के अंदर। ऐसे चेहरे जो आज तक किसी पार्टी के साथ, किसी उसके साथ जुड़े ही नहीं, राजनीतिक फैमिली से भी नहीं है बैकग्राउंड उनकी। राजू सैनी साहब ने ये बड़ी बात बताई है कि जो LSP पार्टी वो ज़्यादातर ऐसे नए चेहरों को सामने ला रही है जिनको जो पुरानी राजनेता है, जो पुरानी पार्टी, उन्होंने सिर्फ उनको यूज किया है और उनको कोई मंच नहीं दिया है। तो राजू सैनी साहब, आपके सामने भी बड़े बड़े धुरंधर हैं यहाँ पे, तो किस तरीके से आप मुकाबला करोगे? देखिए कि यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को, इस क्षेत्र को पशुओं के समान समझा गया है, पशुओं की श्रेणी में ला के खड़ा कर दिया गया है। रही बात राजकुमार सैनी की, राजकुमार सैनी को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि
मैं औरों की तरह उनकी कॉपी करूँ दूसरी पार्टियों की, वो कॉपी मैन नहीं है ना, उन्होंने किसी की जो है ना कॉपी करनी, ना वो किसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने एक विचारधारा जो अपनाई वो एक ऐसी विचारधारा है जिसके साथ जनता का बहुत भारी समर्थन है जी। और उसी विचारधारा के साथ मैं जुड़ा जी। और मैं यहाँ मेवात के अंदर आया जी। और मैंने देखा जैसा मैं सोचता था, जैसा मैंने सुना उससे कहीं ज़्यादा मेवात डूबा हुआ है खाई में, गर्त में जी। जी। और ये किन लोगों के कारण, जिनको आप धुरंधर कह रहे हैं, ये वही धुरंधर हैं जिन्होंने यहाँ की धुआं निकाल रखी है जी। जी, जी। धुएं से मतलब यहाँ की जो सड़कें हैं वो खड्डे में हैं, शिक्षा है नहीं, चिकित्सा है नहीं, रोजगार, रोजगार का तो नाम ही मत लो जी। जी, 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 जी। रोजगार के क्षेत्र में तो यहाँ पे कमाल कर रखा है जी। मतलब विश्व के अंदर ये एक ऐसे पटल पर है आज मेवात क्षेत्र, जिसको लोग एक अलग सी निगाह से देखते हैं। यहाँ के लोगों को चोरों की निगाह से देखा जाता है। पढ़े लिखे युवा हैं वो कहीं बाहर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब के लिए जाते हैं तो उनको चोरों की निगाह से देखा जाता है, उनके लिए नौकरियाँ नहीं हैं। क्यों? उसका रीज़न ये है, ये मुस्लिम बहुल्य इलाका है जी। इसलिए इस क्षेत्र का दोहन होता रहा, इस क्षेत्र का जो है शोषण होता रहा। उन्हीं हकों को दिलाने के लिए राजकुमार सैनी ने मुझे यहाँ पर नुमाइंदा बना के भेजा। राजू साहब, आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से मेवात पिछड़ा है, तो आप इसमें जो सरकारें आई हैं, जो भी आज़ादी के बाद में यहाँ पर कई सारी सरकारें रही हैं, बीजेपी, इनेलो और भी कई सरकार रही है, कांग्रेस रही है काफ़ी ज़्यादा टाइम, तो आप किसे पार्टी को दोषी मानते हैं मेवात को पीछे ढकेलने में, या फिर मेवात के स्थानीय नेताओं को मानते हैं? कितनी भी सरकारें आ जाएं, कितनी गई हैं, कितनी आई हैं, उससे मेवात क्षेत्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेवात क्षेत्र जहां था वो वहीं की वहीं है, जस का तस नहीं है, इधर उधर कुछ भी नहीं हुआ विकास के नाम पर। तो यहां ये नथिंग है मेवात क्षेत्र। इन लोगों की जो फितरत है, इन लोगों का जो दिमागी जो मानसिकता है, वो इस तरह की है कि जो जनता जहाँ है वो वहीं रहे। अगर जनता को इन लोगों ने यहाँ इस क्षेत्र में विकास कर दिया, जनता उभर जाएगी, ये लोग विकसित हो जाएंगे। इन लोगों ने यहाँ की जनता को मूर्ख बना के रखना है, और इनका काम यही है। अब से पहले भी मूर्ख बनाया यहाँ की जनता को, फिर उसी डगर पे चले। लेकिन लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक अलग सी विचारधारा लेके चली है। इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए यहाँ नालियों की, सड़कों की, खड्डों भरने की जरूरत नहीं है। इस क्षेत्र को उभारने के लिए सबसे पहले अगर जनता ने हमें मौका दिया, हमें पूरा समर्थन दिया और हम सत्ता में आए, तो सबसे पहले मेवात क्षेत्र को मास्टर प्लान जी, जो आज तक 72 साल में किसी ने नहीं दिया जी, हम इस क्षेत्र में तुरंत प्रभाव से मास्टर प्लान लागू करके इस क्षेत्र को मेट्रो रूट के साथ जोड़ देंगे, तो इसका विकास अपने आप हो जाएगा। अच्छा सर, एक सवाल हमारा और आखिरी सवाल आपसे, लगभग 6 महीने 1 साल से आप बहुत मेहनत कर रहे हैं फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र में, बहुत सारे गरीब लोगों की आपने मदद की, क्योंकि हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल ही जाती है। आप बेशक हमें आपसे पहले मिले ना मिले, हम सोच रहे थे कि कभी ना कभी आपका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम लेंगे, वो मौका आज हमें मिला है। बट आप ये बताइए सर, आपको जनता का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, मैं जिस भी गाँव में जाता हूँ जी, लोगों को पता चलता है कि राजू सैनी इस गांव में आ रहा है, तो पहले ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती जी, है जी। मैं ताजुब में हूं कि लोग कितने परेशान हैं, उन परेशानियों को देख करके लोगों की ज़ुबान पे एक ही नाम है, राजू सैनी। अभी कल भी एक गांव में गया था, तो इतना बड़ा गांव और इतने सारे लोग मैंने आज तक नहीं देखा, इतना बड़ा काफ़िला लोगों का। ऐसा लगा मुझे जैसे यहाँ कोई पहले से कोई आया हुआ, बाद में मुझे पता चला कि ये लोग तो मेरे लिए खड़े हैं। तो इतना भारी जन समर्थन, तो अब की बार कुछ लोग अलग चाहते हैं कि राजू सैनी को अगर हम लेके आएंगे तो वाकई ये विकास कर देगा, इतनी उम्मीद है। और मैं आशा करता हूँ और लोगों को ये पूर्णतः विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ की जनता को दिलाता हूँ विश्वास, कि उनके विश्वास को मैं कभी तोड़ूंगा नहीं, उनके विश्वास पे हमेशा खड़ा रहूँगा। एक और नौजवान साथी जुड़े हैं जो कि LSP पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, उनसे भी राय जानते हैं, क्योंकि वो भी मेवात के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज रखते हैं। सर, ये जो दो चेहरे आपकी पार्टी के हमारे सामने मौजूद है, तो इनके बारे में क्या विचार है आपके, क्या आपको लगता है कि सीट निकाल पाएंगे? तौफीक को मुबारकबाद देता हूँ और राजू सैनी को फिरोजपुर जिरका से हल्का सा जो सैनी साहब ने उतार के भेजा, उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। और मैं इन दोनों से ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने हाईकमान इन पर जिम्मेदारी सौंपी है, तो इनको उसमें पब्लिक में जा कर के जो हमारी पार्टी ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है उन पर खरा उतरने का काम करें जी। तौफीक भाई, एक बात, एक सवाल और आपसे बनता है, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको, आपका जो गांव वो भी 22C के अंदर है, और 22C का पुनाना विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी खासा वजूद रहा है,
तो अक्सर जो विधायक वहाँ से चुन के आता है वो 22 के दम पे चुन के आता है, तो आप क्या कहेंगे 22 से कितने वोट आपके कैंडिडेट को, आपके चेहरे को मिल सकते हैं? जो पुराने चेहरे हैं इनसे सबसे अब के पब्लिक थोड़ी सी कन्फ्यूज है, इन्होंने कोई जनता बदलाव, हाँ जनता बदलाव चाह रही है। तो अब के 22 का जो नया कैंडिडेट मिला है 22 गांव में से हिंगनपुर से वो चौधरी तौफीक अहमद, तो उसको जनता 22 से जिता करके भेजेगी और पूरा समर्थन 22 के इसके साथ रहेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ में प्रदेश महासचिव हैं LSP पार्टी के भाई तौफीक हैं कुकबंग से, और इन्होंने जो बताया वो निचोड़ ये निकल के आ रहा है कि पुनाना विधानसभा क्षेत्र की जनता अब की बार नहीं बल्कि पिछली 2014 के चुनाव में भी जनता ने एक बदलाव किया था, उन्होंने विधायक रहीसा खान को अपना नुमाइंदा चुना लेकिन उनसे भी कोई विकास खासा नहीं हो पाया, इसलिए जनता फिर से एक बार बदलाव चाहती है। तो इस वक्त जो पुनाना विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, खासकर 22 की जो जनता है, उसकी नज़रें तौफीक हिंगनपुर पर टिकी हुई हैं। दोस्तों देखते रहिए मेवात आज तक की ताज़ा तरीन खबरें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।